लेनोवो ने दोस्तों अपना लेनोवो Z5 स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है। नोकिया X6 जो चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था जिस प्राइस में, उसी प्राइस रेंज के आसपास, यानी कि ये एक मिड रेंज डिवाइस है। नोकिया X6 एंड लेनोवो Z5 दोनों ही दोस्तों इंडिया के अंदर अपकमिंग है, काफी ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं एंड जो प्राइस है दोस्तों एक ही होने वाला है दोनों ही स्मार्टफोन का। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि आप लोगों को लेनोवो Z5 की तरफ जाना चाहिए या फिर नोकिया X6 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के ही दोस्तों स्पेसिफिकेशंस काफी सिमिलर है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगे तो यार लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ेगा तभी मैं आप लोगों तक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दोनों डिवाइस है दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर नॉच मिलता है। पहले अगर बात करें डिस्प्ले की, जो कि दोनों का ही हाइलाइटिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं, तो लेनोवो Z5 में आप लोगों को मिलता है दोस्तों 6.2 इंचेस का एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले, जहां पे आप लोगों को 18:7:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है और यहां पे आप लोगों को 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है। बात करें नोकिया X6 की, तो ये आता है दोस्तों 5.8 इंचेस का एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले के साथ, यहाँ पे भी आप लोगों को 19:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन मिल जाता है नोकिया X6 में एंड दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर नॉच मिलता है। बात करें अगर दोस्तों कि किसका डिस्प्ले में आप लोगों को कम बजेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे लेनोवो Z5 में आप लोगों को 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल रहा है, जबकि नोकिया X6 जो लॉन्च हुआ है चाइना के अंदर, वहां पे आप लोगों को 80% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो डिस्प्ले यहां पे डेफिनेटली लेनोवो Z5 का गुड लुकिंग होने वाला है, नॉच भी थोड़ा छोटा है यहां पे इस लेनोवो Z5 का। बात करेंगे दोस्तों यहां पे सॉफ्टवेयर की, तो दोनों ही दोस्तों आता है एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स के साथ, लेकिन लेनोवो Z5 में दोस्तों इनका अपना, लेनोवो का अपना ZUI है, जो कि एक कस्टम UI है। अगर बात करें नोकिया X6 की, तो यहां पे आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेनोवो वाले ने बोला है कि ये लेनोवो Z5 में आप लोगों को डेफिनेटली एंड्रॉइड P का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे सॉफ्टवेयर कौन सा बेटर रहेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेनोवो का ZUI पसंद आता है या फिर नहीं आता है, या फिर आप लोगों को स्टॉक UI पसंद है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को यहां पे Qualcomm Snapdragon का 636 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, इसके साथ Adreno का 509 GPU आ जाता है। तो यहां पे परफॉर्मेंस में दोनों ही सिमिलर होने वाला है। बात करें दोस्तों यहां पे RAM एंड इनबिल्ट स्टोरेज की, तो लेनोवो Z5 आता है दोस्तों 6GB RAM एंड जो स्टोरेज वेरिएंट है दोस्तों वो दो है, 64GB एंड 128GB। अगर बात करें नोकिया X6 की, तो यहां पे दो RAM वेरिएंट मिलता है, 4GB एंड 6GB एंड अगर बात करें स्टोरेज की, तो यहां पे 32GB एंड 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो यहां पे स्टोरेज ज्यादा आप लोगों को मिल सकता है इस लेनोवो Z5 में, लेकिन प्राइस भी मैटर करता है। देखते हैं इंडिया में किस प्राइस में ये दोनों स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाता है। बात करें दोस्तों कैमरास की, तो दोनों में ही आप लोगों को मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप। लेनोवो Z5 की अगर बात करें, तो यहां पे आप लोगों को मिलता है 16+8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप। बात करें नोकिया X6 की, तो यहां पे आप लोगों को मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप, लेकिन नोकिया X6 का जो प्राइमरी सेंसर है वहां पे आप लोगों को जायरो EIS देखने को मिल जाता है। EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन। दोनों में ही आप लोगों को रियर में LED फ्लैश मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें, तो लेनोवो Z5 प्रोवाइड करता है दोस्तों 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, जबकि नोकिया X6 प्रोवाइड करता है दोस्तों 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, और सभी कैमरास के जो सेंसर के जो अपर्चर साइज है वो है f2.0। तो अब बात करें कि कौन सा कैमरा यहां पे बेटर होने वाला है। मेरे हिसाब से रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा नोकिया X6 का बेटर होगा, क्योंकि यहां पे आप लोगों को EIS मिलता है रियर कैमरा में एंड फ्रंट कैमरा तो 16 मेगापिक्सल है, तो वो ज्यादा डेफिनेटली बेटर हो सकता है। लेकिन फिर भी आप जो है रिव्यू वीडियोस देख लीजिएगा, सैंपल पिक्चर्स देख लीजिएगा, तो आपके थॉट्स और भी क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों को लेनोवो Z5 के कैमरा की तरफ जाना चाहिए या फिर नोकिया X6 के कैमरा की तरफ जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, तो दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को फास्ट चार्जिंग मिलता है। लेनोवो Z5 आता है दोस्तों 3300mAh की बैटरी के साथ, यहां पे आप लोगों को 18W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। बात करें नोकिया X6 की, तो यहां पे आप लोगों को मिलता है दोस्तों 3063mAh की बैटरी, इसके साथ दोस्तों आप लोगों को Qualcomm Quick Charge 3.0 देखने को मिल जाता है, जो कि एक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो यहां पे बैटरी बैकअप किसका ज्यादा होगा ये बता नहीं सकते, लेकिन ऑन पेपर अगर बताया जाए तो लेनोवो Z5 यहां पे ज्यादा MAH प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बैटरी यहां पे जो है बैटरी बैकअप जो है यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, UI सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डेफिनेटली नहीं बता सकते किसका बैटरी बैकअप ज्यादा देगा। MAH की अगर बात करें, तो MAH यहां पे आप लोगों को लेनोवो Z5 ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थे दोस्तों स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं कि कौन से बेसिस पे आप लोगों को कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। आपको अगर स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, आपको अगर नोकिया का बिल्ड क्वालिटी चाहिए, आपको अगर बेटर कैमरा चाहिए, बेटर सेल्फी कैमरा चाहिए, तो आपको जाना चाहिए डेफिनेटली इस नोकिया X6 की तरफ।
लेकिन आपको अगर गुड लुकिंग वाला फोन चाहिए जहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छा लुक मिल जाए, काफी अच्छा डिस्प्ले मिल जाए, थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिल जाए, और यहाँ पे आप लोगों को अगर लेनोवो का Z UI पसंद आता है तो आप लेनोवो के इस Z5 की तरफ जा सकते हैं। इस लेनोवो के Z5 में आप लोगों को बेटर बैटरी बैकअप मिल सकता है, लेकिन डेफिनेटली नहीं बता सकते मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यही थे दोस्तों क्लियर थॉट्स। लेकिन अगर बात करें मेरी ओपिनियन की कि 15,000 से 20,000 रेंज के अंदर ये अगर स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए तो मैं कौन सा परचेज करूंगा, मैं डेफिनेटली जाऊंगा नोकिया X6 के तरफ, क्योंकि मुझे चाहिए स्टॉक एंड्रॉइड, मुझे चाहिए बेटर कैमरास एंड मुझे नोकिया की बिल्ड क्वालिटी चाहिए, इसीलिए मैं जाऊंगा नोकिया X6 के तरफ। आपके प्रायोरिटीज के अनुसार आपका चॉइस अलग हो सकता है, आपके लिए जो है लेनोवो Z5 बेटर हो सकता है, आपके लिए जो है कौन सा बेटर रहेगा 15,000 से 20,000 के अंदर, ये नोकिया X6 या फिर ये जो नया लॉन्च हुआ है लेनोवो Z5, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी को, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे थे, तो हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।